अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सऊद मुनव्वर और आज जिस प्रोडक्ट रिव्यू में मैं हाज़िर हुआ हूँ वो है हमारा हायर इन्वर्टर के अंदर जो जंबो साइज़ रेफ्रिजरेटर्स आते हैं, 398 मॉडल, 368 मॉडल और 438 मॉडल। तीन हायर कंपनी जो है जंबो साइज़ में रेफ्रिजरेटर बनाती है। आज हम तीनों मॉडल्स का रिव्यू करेंगे, ये कितनी बिजली लेते हैं और ये कितने वाट का UPS होना चाहिए और कितनी बैटरी होनी चाहिए कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो चल जाएगा, कितनी सोलर प्लेटें साथ लगेंगी, इस तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। उसके बाद ये जो टच पैनल होता है, क्योंकि इनमें थर्मोस्टेट नहीं होता, ये रेफ्रिजरेटर्स को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है टच पैनल, क्योंकि इनके अंदर सेंसर होते हैं, चार सेंसर होते हैं, तो आपको बताएँगे कि ये जो टच पैनल है इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इनका जो मॉडल है वो 368 मॉडल, ये 398 मॉडल और ये 438 मॉडल, ये तीन मॉडल्स हैं। इनमें दो कलर्स आते हैं, एक रेड कलर और दूसरा ब्लैक कलर। ब्लैक के साथ रेड का टच दिया जाता है और उसके साथ रेड में इन्होंने ब्लैक का टच दिया हुआ है। तीनों वेरिएंट्स में जो है दो दो कलर्स आते हैं और इन तीनों वेरिएंट्स का जो मॉडल नंबर है वो 368 और 398 IDBT IDRT का क्या मतलब होता है, इन्वर्टर डिस्प्ले रेड टर्बो IDRT, IDBT इन्वर्टर डिस्प्ले ब्लैक टर्बो, मतलब के जिसके अंदर ब्लैक कलर के अंदर होगा टर्बो फैन होगा वो IDBT होगा और जिसमें रेड कलर में टर्बो फैन होगा वो IDRT होगा। अगर आप बगैर टर्बो फैन के लेंगे तो वो IPB और IPR होंगे। तो ये हैं इनका 368 मॉडल, 368 मॉडल जंबो साइज़ रेफ्रिज जो है इसका। बहुत वाइड बॉडी है, कंसील्ड एवेपोरेटर है, 5-way कूल के अंदर है, ऊपर भी LED लाइट है दोनों साइडों पे, ठीक है, दोनों साइडों पे LED लाइट्स हैं। ऊपर ये सेंसर दिया हुआ है जो सेंस करता है कि ऊपर कितना टेम्परेचर है। उसके बाद ये टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया गया, दो शेल्व्स दी गई हैं, बंद फ्रीज़र के अंदर है, 5-way कूल है। उसके बाद अगर हम इसके निचले वाले पोर्शन में आ जाएँ तो इसमें जो है इसमें तीन शेल्फ्स दी गई हैं। उसके बाद एक एडिशनल इसमें फंक्शन है, जो एडिशनल चीज़ है वो इसमें ये स्लाइडिंग ट्रे है बड़ी अच्छी क्वालिटी के साथ, ठीक है। और टेम्पर्ड ग्लास, अगर आप 110 kg तक या 100 kg तक भी इस पर लोड डालेंगे, कंपनी कहती है ये जो है ये नहीं टूटती या इसमें कुछ नहीं होता इसको। उसके बाद बहुत बड़ी क्वान्टिटी के अंदर इन्होंने वेजिटेबल बॉक्स दिया है, एक्स्ट्रा लार्ज जो है वेजिटेबल बॉक्स है। यहाँ इसके ऊपर वेजिटेबल बॉक्स का कवर भी टेम्पर्ड ग्लास यहाँ भी यूज़ किया गया है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि इसमें रैक्स की नीचे वाले जो रैक्स होता है यहाँ पे उसको ख़त्म करके अपने वेजिटेबल बॉक्स को बढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल बॉक्स की बहुत अच्छी गुंजाइश है। अगर ऊपर वाले रैक्स की बात करें तो ऊपर दो रैक्स हैं और अगर नीचे रैक्स की बात करें तो नीचे दो रैक्स विद ब्यूटी केयर बॉक्स। ये यहाँ पर आप अपनी ब्यूटी केयर बॉक्स का मतलब यहाँ पर अपनी मेडिसिन भी रख सकते हैं या अपनी जो क्रीम वगैरह ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आप रख सकते हैं, ताकि इसको कवर किया गया ताकि बच्चे जो है इसको ज़ाया ना करें या हाथ ना मारें इसके अंदर, इसके लिए कवर दिया गया। तो उसके बाद ये है 368, उसके बाद आता है 398 मॉडल 398। अगर इसका फ्रीज़र पोर्शन की बात करें तो सेम फ्रीज़र पोर्शन है जैसे 368 के अंदर था, सेम वैसे ही उतनी ही चौड़ाई है, उतनी ही गहराई है। और उसके बाद दो इसके अंदर शेल्फ्स दी गई हैं, यहाँ भी ऊपर LED लाइट्स और यहाँ पे सेंसर दिया गया है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो नीचे यहाँ पे तीन शेल्फ्स दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है गुंजाइश इसमें बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ नीचे सेंसर दिया गया है जो नीचे वाले पोर्शन का सेंस करता है कि नीचे टेम्परेचर कितना है। यहाँ पर कोई थर्मोस्टेट नहीं है, जैसे कि इनका जो ये वाला फंक्शन है थर्मोस्टेट वाला वो फ्रंट पर आ गया, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद ये वेजिटेबल बॉक्स सेम जितना के 368 के अंदर था वैसे ही 398 के अंदर है। उसके बाद अगर हम साइड की बात करें तो इसमें जो है ऊपर दो रैक्स हैं और नीचे जो है इसमें तीन रैक्स हैं और इसमें भी ब्यूटी केयर वाला जो है वो ऑप्शन होता है। उसके बाद इसका इसमें मुकम्मल अंडों के लिए आइस क्यूब्स, स्क्रैपर और लॉक के लिए चाबियाँ, कुछ मॉडल्स के अंदर लॉक बनाना ख़त्म कर दिया कंपनी, क्योंकि लॉक नहीं अब लगा रही कुछ मॉडल्स के अंदर। 10 ईयर्स की वारंटी है तमाम मॉडल्स की, तीनों मॉडल्स की जंबो साइज़ जो आते हैं हायर के। तो अब ये हमने जो रेफ्रिजरेटर 438 है ये हमने ऑन किया हुआ है, अब हम आपको दिखाते हैं इसका मुकम्मल। इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि तीनों मॉडल्स के अंदर फंक्शन सेम ही है,
टच सेम है, हर चीज़ सेम है। क्योंकि हमने ये रेफ्रिजरेटर ऑन किया हुआ है, इस पर मैं आपको मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब ये जो है इसका 438 मॉडल, अगर मैं इस तरफ आ जाऊँ तो ये इसका रेफ्रिजरेटर पोर्शन सेम क्वांटिटी, सेम इसका जो है साइज़ है जैसा कि 368 के अंदर था, 398 के अंदर था, सेम साइज़ जो रेफ्रिजरेटर पोर्शन। ये देखें, ये दो एलईडी लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स दोनों साइडों पे। उसके बाद ये सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम साइज़ कंसील्ड एवेपोरेटर सेम फंक्शन 5-way कूल के अंदर है। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो इसमें जो है सबसे पहले इसमें ब्लू टर्बो कूलिंग फ़ैन, हर मॉडल के अंदर ये ब्लू टर्बो वाला ऑप्शन होता है। आप अगर नहीं लेना चाहते तो वो भी जो है तमाम मॉडल्स के अंदर होता है, अगर आप ब्लू टर्बो वाला नहीं लेना चाहते। इसका इसकी खूबी क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर इसमें आप इसमें डिफरेंट पोर्शंस बनाए हैं कंपनी ने, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये तमाम पोर्शंस के अंदर कूलिंग को बरकरार इक्वल जो है मेंटेन रखता है आपका फ्रिज, तो ताकि तमाम पोर्शंस के अंदर कूलिंग जो है एक ही जितनी ऊपर वाले पोर्शन के अंदर हो रही है वैसे ही नीचे वाले पोर्शन, मतलब कि जितनी इस शेल्फ के ऊपर हो रही है उतनी इस शेल्फ के अंदर होगी, उतनी इस शेल्फ के ऊपर होगी उतनी ही इस शेल्फ के अंदर होगी, इस तरह सेम ताकि जो है कूलिंग रहे। उसके बाद वेजिटेबल बॉक्स की बात करें तो सेम वेजिटेबल बॉक्स है जो 368 और 398 के अंदर था, लेकिन यह है कि यहाँ पर गुंजाइश थोड़ी सी बढ़ गई है। इसमें 4 शेल्फ आ गई हैं विथ स्लाइडिंग ट्रे, ये स्लाइडिंग ट्रे का भी ऑप्शन है इसके अंदर। अगर आप ज़्यादा देर दरवाज़ा खोलेंगे तो इसका जो रेफ्रिजरेटर है वो आपको अलार्म देगा कि आपका जो है रेफ्रिजरेटर वो ज़्यादा देर तक खुला हुआ है। ये इसमें स्लाइडिंग ट्रे का ऑप्शन भी है विद ब्यूटी केयर बॉक्स, इधर इसमें ब्यूटी केयर बॉक्स भी है। 3 जो है रैक्स दिए गए हैं नीचे विद ब्यूटी केयर बॉक्स, और ऊपर जो है 2 रैक्स दिए गए हैं। तो अब हम आ गए हैं इसके टच पैनल के ऊपर। तो इसमें जो है 4 ऑप्शंस हैं, एक टेम्परेचर जोन है, दूसरा टेम्परेचर सेट, तीसरा फंक्शन सेट और तीसरा ओके वाला। इसमें एक लॉक दिया हुआ है कंपनी ने ताकि बच्चे इस पैनल को ख़राब ना करें, उसके लिए कंपनी लॉक दिया। अब मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो अलार्म दे रहा है कि यहाँ पहले लॉक खोलें। तो लॉक को लगाना और बंद कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फिंगर को ओके वाले बटन पर 3 सेकेंड के लिए रखेंगे तो आपका जो है ये लॉक खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको इसके पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर जोन, इसको मैं दबाऊंगा तो ये जो है ऊपर वाले पोर्शन का मुझे टेम्परेचर दे रहा है 30 सेंटीग्रेड, जो इसका रेफ्रिजरेटर पोर्शन है। अब मैं टेम्परेचर जोन को दोबारा दबाऊंगा तो ये नीचे हो गया, तो ये अब नीचे वाले पोर्शन का आप हमें टेम्परेचर बता रहे हो 33 सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको फंक्शन सेट के बटन को दबाता हूँ। इसमें 3 ऑप्शन है, पावर कूल, पावर फ्रीज विद फजी लॉजिक्स। इसमें इन तीनों फंक्शंस का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं फजी लॉजिक्स पे, इसको मैं फजी पे करके ओके दबाऊंगा, ये अब फजी पे चल रहा है फ्रिज। अब फजी का मतलब क्या है, इसके अंदर कंपनी ने 4 सेंसर दिए हैं, एक ऊपर वाले पोर्शन के अंदर, एक नीचे वाले पोर्शन के अंदर, एक इस ऊपर वाले दरवाजे के साथ और एक इसके कंप्रेसर के साथ। ये 4 इसके अंदर सेंसर हैं। ये जो आपके सेंसर हैं ये सेंस करते हैं कि आपका रूम का टेम्परेचर क्या है, आपके रूम के टेम्परेचर के हिसाब से जो है ये फ्रिज कूलिंग करता है। अगर सर्दियाँ होंगी तो सर्दियों के हिसाब से कूलिंग करेगा, और अगर गर्मियाँ होंगी तो गर्मियों के हिसाब से कूलिंग करेगा। उसके बाद पावर कूल है, इसमें ओके कर देता हूँ। इस पावर कूल का क्या फंक्शन है, पावर कूल का फंक्शन है कि जो आपका नीचे वाला पोर्शन है वो अपनी मैक्सिमम कूलिंग करेगा। नीचे वाले पोर्शन के अंदर आपको मैक्सिमम कूलिंग चाहिए तो आप इसको पावर कूल के ऑप्शन पर करेंगे। और उसके बाद आ जाता है पावर फ्रीज, इसको मैं ओके करूँगा तो ये पावर फ्रीज पर चल रहा है। इसका क्या फंक्शन है, पावर फ्रीज का मतलब होता है कि जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है वो मैक्सिमम कूलिंग करेगा। जैसे आपने कोई चीज़ स्टोर करनी है तो आप इसको पावर फ्रीज के ऑप्शन पर रख के ओके कर देंगे तो आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अपनी मैक्सिमम कूलिंग करेगा। जैसे आपने कोई चीज़ स्टोर करनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है। तो इसी तरह आपने कोई सेट कर लिया, उसके बाद आप ओके के बटन को दबाएँगे और आपका फ्रिज लॉक हो जाएगा। तो ये था इसका टच पैनल। अगर हम बात करें कि ये कितनी सोलर प्लेटों पर चल जाएंगे और आपका कितने वाट का UPS होना चाहिए, तो अगर आपके पास 250 वाट की 2 प्लेटें लगी हुई हैं सोलर प्लेटें, और आपके पास 500 वाट का UPS लगा हुआ है विद अगर छोटी सी बैटरी लगी हुई है आपके पास, तो आपका जो रेफ्रिजरेटर हायर रेफ्रिजरेटर, इसमें इन्वर्टर में कोई भी मॉडल ले लें 306 से लेकर 438 तक, तमाम मॉडल चल जाएंगे। अगर आपका जितना ज़्यादा बैकअप अच्छा होगा उतना आपके लिए बेहतर है कि आपका रेफ्रिजरेटर जो है आप इतनी ज़्यादा देर तक चल सकेगा।
ऐसे इससे क्या होगा कि अगर सोलर बैटरी के साथ आपका 500 वाट का यूपीएस लगा हुआ है तो आपका दिन सारा दिन तो फ्री चलेगा। अगर आपके पास बड़ा सिस्टम लगा हुआ है 1000 वाट का या 2000 वाट का या 3 KV का या 5 KV का, तो आपका दिन रात आपका फ्री चल रहा है, क्योंकि इसकी इसने कोई बिजली नहीं लेनी। ये आपका जो है 105 से स्टार्ट करता है और 45 वाट तक ये आ जाता है जितना कंपनी क्लेम करती है। तो जो आपका सीलिंग फ़ैन होता है ये इससे डबल बिजली ले रहा होता है, इससे डबल से भी कुछ ज़्यादा ही ले रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी सेविंग है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगर क्यूबिक फुट की बात करें तो 368 जो है वो ऑलमोस्ट 13 क्यूबिक फुट का होता है। अगर 398 की बात करें तो ये 14 से 15 क्यूबिक फुट में होता है। और अगर इस तरह हम 438 की बात करें तो ये जो है 15 से 16 क्यूबिक फुट के अंदर आता है। और अगर हम इनके प्राइस की बात करें तो जो 368 है ये 62 की रेंज में आता है। उसके बाद 398 जो है ये 64 की रेंज में आता है। ये कोई कंफर्म प्राइस नहीं है, ये मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ। इसमें आपका 1000-2000 कम भी और ज़्यादा भी हो सकता है। और इस तरह अगर हम 438 की बात करें तो ये जो है 66 की रेंज में आता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल CH इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।